Hello friend, this is Ashish Kumar Das. Welcome to our channel Learn with Buddy. Today we are going to learn all the examples of amino acid classification based on the nutrition with the short tricks. So first of all, amino acid classification based on nutrition. Amino acid is classified into essential, semi-essential and non-essential amino acid. So what is essential amino acid? Essential amino acid is which is not synthesized in our body and required in diet. They required in diet. And the non-essential amino acid are which are not required in our diet. They are synthesized in our body. And semi-essential amino acid is required in children and pregnancy. What happens that their synthesis is reduced during growth. So they are basically generally required in children and pregnancy and also during lactation. अब बात करें essential amino acid की, इसके examples को कैसे याद रखनी है, तो trick के साथ देखते हैं. तो आपने ये जो VIP TT Halm जो है सो बहुत ही famous है, लेकिन generally क्या होता है कि जैसे TT से tyrosine, tryptophan, threonine सभी होते हैं, तो confuse कर जाते हैं generally alphabet से, तो इसीलिए words का trick बनाया, तो देख लीजिए यार. आप जैसे हम लोग क्या होता है कि कभी बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन क्या होता है कि चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसी से बनाया यार आयसा ही ट्राइड थ्राइस, फिर भी लुस्सी को मीठा लस्सी नहीं मिला. तो आप देख सकते हैं कि यार से हो गया अर्जिनिन, आयसा या इशिका भी याद रख सकते हैं, तो उससे हो गया आइसोल्यूसिन, ही से हिस्टिडिन, ट्राइड ट्राई से ट्रिप्टोफान, थ्राइस से थ्रियोनिन, फिर से फिनाइल एलेनिन, भी से वेलाइन, लूसी से ल्यूसिन, लूसी इज अ नेम ऑफ गर्ल, मीठा से मिथियोनिन एंड लस्सी से लाइसिन. तो ट्रिक है यार आयशा ही ट्राइड थ्राइस, फिर भी लूसी को मीठा लस्सी नहीं मिला. जनरली क्या होता है कि आपने हिस्टिडिन अर्जिनिन, जो यहाँ पे हिस्टिडिन, ये अर्जिनिन और हिस्टिडिन दिया असेंशियल में, उसको जो है सो सेमी असेंशियल में भी रखा जाता है, सेमी असेंशियल में, क्योंकि वो जो है सो जनरली चिल्ड्रेन प्रेगनेंसी के दौरान रिक्वायर्ड होती हैं. और बाकी जो रेस्ट आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड फाउंड इन द प्रोटीन्स जो बचे, रेस्ट आप देख सकते हैं कि वो अगर ये असेंशियल अमीनो एसिड हो गया तो रेस्ट जो बचा वो नॉन असेंशियल हो जाएगा, और हिस्टिडिन अर्जिनिन सेमी एसेंशियल में याद रखनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर हम आपको हमारे ट्रिक्स और हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.